हाँ जी, राम राम जी। वेलकम आपका मेरे बहादुरगढ़ वाली व्लॉग में। कैसे हो भाई? सारे ठीक ठाक हो? उम्मीद होगी भाई सारे ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज है संडे और देखो मॉर्निंग का टाइम है और मैं लग रही हूँ फटाफट काम करने। ठीक है, ये देखो हमने अभी ये बाद में आपको ऊपर दिखाया भी था कि घर में चढ़ाई लग रही है। तो हमने यहाँ पे ये एक रूम और ये हॉल और ये बाहर से डिज़ाइन ऊपर सीलिंग वगैरह कराई थी। तो आज भाई हमने करवा रखा सत्संग, तो उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। हमने यहाँ से सारी चीज़ शीशे वगैरह सब कुछ साफ़ किया, झाड़ू झूड़ू निकाली, फिर पोछा वगैरह लगाया। तो भाई आज एक बात और, आज आठ भी थी तो हमारी बेरी की मानता है। ठीक है, तो मैंने कई दिन की बोल रखी थी कि भाई बेरी वाली माता आऊँगी। तो भाई देखो एक श्रद्धा होया कर अपनी, जब माता रानी खुद बुलावे है ना, तो चाहे कितने कोई भी रुकावट आ लो, चाहे कितना टाइम लेट हो जाओ, अगर वो बुलाओगे तो हम जाया ही करा। तो भाई माता रानी मैंने बुलावा थी और मेरा जी भी करा था, तो मैं बेरी भी गई थी और थोड़ा सा ही मिस्त्री आ रहे थे, तो भाई थोड़ा टीवी वगैरह लगवाया था, नई LED लेकर आए थे और एक झूमर लगवाया है ऊपर, वो लेकर आ रहे थे तो वो लगवाया था। तो मैं कर रही थी भाई ये शीशे साफ, क्योंकि इन पे ना थोड़ी धूल मिट्टी जमी हुई थी। तो मैं कहा भाई बाहर की वो औरत आवेंगी देखेंगी, तो भाई बाहर का सारी चीज़ पूछ दी थी मैंने, झाड़ू निकाल दी थी, पोचे पे लगाया ना था, क्यों मिस्त्री लाग रहा था काम करने। तो ईमानदार आ गई थी, मैं कहा इतने अपना सब्जी की तैयारी कर लूँ, तो कई दिन हो गए थे भाई आलू उल्लू की सब्जी खाए, तो इतने को ना खाए जाते। तो मैंने सोची मैं कल आज कड्डी बना लिया, तो मैं भाई भीतर आ गई थी और कड्डी बनाने की तैयारी में लग गई थी। ठीक है, तो मैंने भाई बेसन डाल दिया यो इसमें, तो भाई मैंने बेसन बासन छान दिया था अपना, अरे इसमें सीत मिला का अपना गोड़ तैयार कर लिया था कड्डी का, प्याज प्यूज तैयार कर लिया रखे थे भाई मैंने। ठीक है, तो मैंने सोची मैं कब लिया आज कड्डी बनाते हैं और सब राज्यों का खा लेंगे, जो चावल खाओगा भाई उसके चावल बर्तने बन जाएंगे। अरे टाइम भी ज़्यादा ही हो गया था, 9:30 का टाइम हो रहा था जब मैं कड्डी बनाने लग रही थी और मनीषा लग रही थी पोचा मारने। तो भाई आज मनीषा की क्लिप नहीं बना पाई, क्योंकि मैं भी खुद इतनी बिजी थी भाई अपने क्लिप बनाने में लग रही थी। तो मनीषा को दिखाती तो भाई मैं उस टाइम पे फिर फ्री रह जाती, और फ्री रहने का टाइम आज तो मतलब बिल्कुल ही नहीं था, बिल्कुल भी। संडे की छुट्टी थी, छुट्टी तो नहीं थी, मैंने छुट्टी ली थी और फिर इतना सारा काम फटाफट जो करना था भाई, सफाई थोड़ी बहुत, ठीक है, ऊपर से फिर खाना पीना भी। तो भाई प्याज छील दिए मैंने तरियों में, चॉपर ले आई थी एक बार चांदनी चौक, चांदनी नहीं सदर बाज़ार में गए थे तो वहाँ से लाई थी भाई। ये इतनी अच्छी चीज़ है, मतलब इतनी अच्छी काम आती है ना कि बहुत अच्छी। तो मैंने प्याज और लहसुन इसमें ही चॉपर कर लिए थे, मिर्च भी, मिर्च तो मैं एक ही डालती हूँ क्योंकि हमारे घर में इतनी ज़्यादा मिर्च कोई नहीं खाता। तो मैंने इसमें तेल डाल दिया था, सरसों के तेल में हम छोंक लगाते हैं, तो भाई छोंक लगा दिया मैंने और यह थोड़ी देर ही घुमानी पड़ेगी आते ना, तो फिर वो फट जाया करे सीत, तो थोड़ी देर यह रांधनी पड़े भाई। तो भाई ये बागी थी मैं बाहर, क्योंकि मिस्त्री अपना काम करके चला गया था और बच्चे मैंने बहुत तंग कर रहे थे, देख लो आप, पोचा नहीं लगाने दे रहे थे। तो भाई एक बात और बता दूँ, आप लोग न सोचते होगे एक देखो वाइपर तो पोचा मारा है, तो भाई मेरी भी एक मजबूरी है जो मैंने वाइपर तो पोचा मारना पड़ा है, क्योंकि मेरा एक पैर में चोट लगी थी और वह छोटी मोटी चोट नहीं लगी, बहुत गहरी चोट लगी है मेरे पैर में, जो कि मैंने भाई उम्र भर तक वो दर्द सहन करना पड़ेगा। तो भाई बैठे थे मेरा पोचा लग गए को नहीं, तो इस मारी मैंने वाइपर तो लगा दिया था, पर आप कमेंट मतलब देखना आप ध्यान से कि मैंने इससे भी 2 या 3 बार लगाया था और अच्छा लगा दिया था, तो इसीलिए मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ और इसीलिए मनीषा हर बार पोछे का ही काम करती है, क्योंकि वो उसको पता भाई कि मेरे से लगेगा नहीं, पैर में दिक्कत है तो पोछा भाई मारे मनीषा ही लगाया करें।
ये देखो मैंने सारा चमका दिया था। और इसके बाद फिर हमने इस पर दरी बिछा दी थी, मका लेडीज आवेंगी तो अपनी तो भई हमने अलमारी खाली कर दी थी, अलमारी चाई थी और पहुंच चुके हैं भई हम अपने बेरी माता के मंदिर। बाहर से तो भई ऐसा लगा कि भीड़ नहीं है, लेकिन जब हम अंदर गए तो तब हमें पता चला कि कितनी भीड़ है। तो भई हम पहुंच गए थे 12:45 से और हम निकले अंदर तक 2 बजे थी, 2:45 से कितनी भीड़ इतनी थी। ये देखो भाई कितनी भीड़ है यहाँ, तो वहाँ उधर तक हमने लाइन में लगना पड़ा था और बच्चे भी थे, तो कोई दर्शन कराए।